आपको थंबनेल बनाने के लिए पिक्स आर्ट को ओपन करना होगा। पिक्स आर्ट ओपन करते ही आपको सबसे पहले एडिट ए फोटो में क्लिक करके आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं ये ब्लैक बैकग्राउंड को ले रहा हूँ। उसके बाद आपको करना है इसको क्रॉप थंबनेल के साइज में, जो कि आता है 16:9 में। इसको क्रॉप करने के बाद आप पहले स्टिकर में आने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको देखना है कि बैकग्राउंड के साथ कौन सा मैच कर रहा था। ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ऐड करता हूँ। इस तरह से घुमा लेना है और इस तरह से आपको रख देना है। तो चलिए अभी हम लोग सर्च करते हैं रोबोट। रोबोट सर्च करने के बाद आपको देखना है कि कौन सा रोबोट आपका वीडियो के हिसाब से आपको परफेक्ट बैठता है। तो मुझे ये मिल गया, ये रोबोट मेरे वीडियो के हिसाब से परफेक्ट है। तो मैं इसको लेकर इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर इसको ऐड करना होगा कुछ हैंड्स। तो यहाँ पर हैंड्स आपको देखिए ये भी मिल गया है। इस हैंड्स को लेते हैं और रोटेट करके इसका पहले राइट हैंड बनाते हैं। थोड़ा सा ये मुझे एडजस्ट करके छोटा करना होगा। एडजस्ट करने के बाद इसका आप लेफ्ट हैंड बनाना है। राइट हैंड को क्लिक करके आपको ऊपर में ओवरलेज जो ऑप्शन है उसमें आना है। उसके बाद डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से फ्लिप एंड रोटेट करके इसको लेफ्ट हैंड बना के थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको आपको सही से इसको बिठा के रख देना है। जैसे कि ये हो चुका है। अब हम लोग इस पर टेस्ट को ऐड करेंगे। टेस्ट को ऐड करने के लिए हम लोग टेस्ट पर क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे इसमें ऑटोमेशन, जैसे कि उस थंबनेल में लिखा था। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जैसा आप बनाना चाह रहे हो। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको मूव डाउन करके रोबोट के पीछे ले जाएंगे ताकि मेरा बैकग्राउंड और अच्छा लगे। लेकिन एक चीज़ मिस्टेक हो गया है कि ये जो कलर है ये ब्लू एक्चुअली में बैकग्राउंड में, यानी कि थंबनेल पे ब्लू नहीं है, वो थोड़ा सा ग्रीन कलर में भी आ रहा था। तो अभी इसको ग्रीन कलर करने के लिए हम लोग बैकग्राउंड को क्लिक करते हैं, यानी कि जो ब्लू फेड मैंने हम लोग ऐड किया था उसको क्लिक करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आते हैं एडजस्ट में। एडजस्ट में आने के बाद इसका ह्यू हम लोग लेफ्ट राइट करते हैं तो आप देख पाएंगे कि कौन सा कलर एक्चुअल में थंबनेल में था। मुझे ये कलर थंबनेल में लगा तो यही कलर को मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब हम लोग कलर मैच करेंगे टेस्ट के साथ। तो टेस्ट के कलर में आके हम लोग डायरेक्ट यहाँ से मैं रोबोट का कलर मैच कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, इसको शेडो थोड़ा इसको शेडो को हटा ही देता हूँ। शेडो नहीं चाहिए हम लोग को भाई। चलो ये देखो गाइस, लगभग थंबनेल लग रहा है कि हाँ बन चुका है। अभी हम लोग को फिर से स्टिकर पे जाना है और सर्च करना है AI। AI सर्च कीजिए यहाँ पर। AI सर्च करने के बाद आप लोग ये AI लोगो सर्च किया, ये फर्स्ट में जो AI है इसी को हम लोग चेक सेलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं हैंड के हिसाब से। अब हम लोग को सर्कल चाहिए तो फिर स्टिकर पे आया, फिर यहाँ पे सर्च करूँगा सर्कल। सर्कल लाइट फ्रेम, लाइट फ्रेम सर्च करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा सर्कल आ चुका है, लेकिन हम लोग को लेना है उसी प्रकार जो कि इसमें अच्छा लगेगा। थोड़ा ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद जो सही लगे उसको हम लोग को सिलेक्ट करना है। जैसा कि ये हम लोगों को सही लगा तो इसको हम लोग करते हैं सिलेक्ट। अब सिलेक्ट करने के बाद हम लोग उसके AI के साथ हम लोग थोड़ा एडजस्ट करेंगे। ये रहा हम लोग का एडजस्ट हो गया है। अब फिर हम लोग स्टिकर पे सर्च करेंगे YouTube। YouTube सर्च करने के बाद वो मेरे हिसाब से ये YouTube जो है परफेक्ट है। और इसको हैंड के साथ मिलाकर इसको फ्लिप एंड रोटेट कर देते हैं इस तरह से, और ये हम लोग का लेफ्ट हैंड के लिए परफेक्ट हो गया। अब राइट हैंड में हम लोग क्या करेंगे कि इस पर हम लोग शेडो ऐड करेंगे उसी कलर का, ताकि हम लोगों का ग्लो लगे कि ग्लो हो रहा है। ये रहा जैसे ग्लो लग रहा है कि थोड़ा बहुत ग्लो। शेडो को ऐड करने के बाद हम लोगों को फाइनली लग रहा है कि इसमें ग्लो थोड़ा आ गया है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि लगभग इस पर थंबनेल जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें अभी और ऐड करना होगा। अभी हम लोग फिर से स्टिकर पर जाएंगे और स्टिकर पर सर्च करेंगे ब्लैक फेड। ब्लैक फेड को सर्च करने के बाद ये वाला ब्लैक फेड को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको एडजस्ट करके इसमें कुछ ऐसे करने के बाद आपको फिर से मूव डाउन करके, यानी कि रोबोट के पीछे लाना है। को अब ऐड करना है मनी, तो हम लोग ऐड करेंगे इस मनी को। इस मनी को ऐड करने के बाद आपको इसका बहुत सारे डुप्लीकेट लेयर्स बनाने होंगे। तो मैं अभी इसको इस साइड पर रख देता हूँ, फिर इसका डुप्लीकेट करता हूँ, फिर इधर करता हूँ थोड़ा एडजस्ट, फिर इसका डुप्लीकेट करता हूँ, फिर इस तरह करता हूँ,
और एक डुप्लीकेट बना के मैं इसको इधर रख देता हूँ। अभी देख सकते हैं कि आपका लगभग लगभग थंबनेल बन चुका है, और आखिरी जो है इसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू को इसमें लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको चाहिए एक बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लेने के लिए आपको करना होगा, शेप में आना है। शेप में आने के बाद आपको इस वाले शेप को सिलेक्ट करना है। शेप को सिलेक्ट करने के बाद आपको अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपको जैसे ये फेस और गले पर ये ऊपर आ गया, तो इसको आपको इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद आपको इसका डुप्लीकेट बनाकर लेफ्ट साइड में इसको लेके आना है। और इसमें लेफ्ट साइड में आने के बाद इसको भी आपको इरेज करके थोड़ा सा अच्छे से इसको बिठा देना है। थोड़ा ये छोटा हो गया, मैं इसको थोड़ा लंबा कर लेता हूँ, ये हो गया। और अभी मैं इस पर टेस्ट ऐड करूँगा, लिखूँगा एस्टिमेटेड रेवेन्यू। लिखने के बाद मैं इसको ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद कलर सेलेक्ट करूँगा ब्लू, तो ब्लू सेलेक्ट हो गया। इसका थोड़ा फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। उसके बाद मैं तो जितना अमाउंट था अमाउंट को डॉलर लिख कर अमाउंट लिख दिया, ठीक है। अमाउंट इस पर लिखने के बाद मैं थोड़ा इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब बोल्ड करने के बाद मैं इसका डुप्लीकेट कॉपी करता हूँ और सीधा लेफ्ट साइड में जाके इसको पटक देता हूँ। और मैं इसका वॉल्यूम भी चेंज कर देता हूँ लेफ्ट साइड वाले का। और आपका ये थंबनेल बनकर रेडी हो गया।